सभी का स्वागत है एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो हम तो जैसे कि वीडियो का टाइटल देखकर एंड इंट्रो वीडियो देखकर आपको समझ ही गया होगा कि हम कौन सा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो हम तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेड गियर के थंडर बी हेडफोन्स की, जो कि आते हैं 7.1 सराउंडिंग साउंड के साथ। तो बंदो ये बक्सा बहुत ही प्यारा है, अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है। तो बंदो आप देख सकते हो ये वाला बॉक्स है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो बंदो इसकी पैकिंग तो एकदम खराब आई है, ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन खराब आई है तो आई है बंदो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चालू है तो उनके इधर बंदे भी काम के लिए नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल भी पैक नहीं किया बंदो। ये देखो इधर सिर्फ एक क्या बोलते इसको चिकट पट्टी लगाई है, बाद में इसके अंदर बिल रहेगा, ये बिल है जो भी कुछ बाद में देखेंगे हम। और यहाँ पे ये जो एड्रेस वगैरह का डिटेल्स है बंदो। इसको अनबॉक्स करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दो यार, मस्त बाकी वो लाइक का बटन फ्री है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, वो भी फ्री है बंदो। तो जाएंगे इसको मस्त बाकी खोल देंगे। खोलने के लिए हमेशा की तरह हम ये सिम ट्रे इजेक्टर यूज करेंगे। तो बंदो अब हम इसको खोल देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा पैकिंग भी नहीं है, मेरे को ज्यादा तरस नहीं हुआ है जैसे कि पिछली बार हुआ था। ये हम निकाल देंगे क्योंकि आपने को हेडफोन्स की चित्र देखना है, मस्त चिकना चिकना चित्र। इसको निकाल दिया है मैंने और इसमें देखो अब बिल है बहुत ही प्यारा सा। बाद में देखो बहुत ही मस्त लग रहे हेडफोन देखकर तो मेरा जी ललचा जा रहा है कि कब यूज करूंगा बंदो। तो इस पर बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि 7.1 सराउंडिंग साउंड। बाद में इसमें बंदो ऑक्स केबल नहीं रहेगा, अपना 3.5 mm का जैक नहीं रहेगा, उसमें रहेगा USB का केबल रहेगा। और उसको माइक भी है, बहुत ही प्यारा सा माइक है बंदो 7.1 सराउंडिंग साउंड के साथ। तो इसको अब करेंगे प्रॉपर वाला एकदम मस्त पैकी अनबॉक्स, ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर कुछ रखा ही नहीं है साला, कुछ पैक ही नहीं किया, चिकट पट्टिया लगा के दिया मेरे को। तो ढंटनान खुल जा शिमशिम बोले तो ओ भाई चिकट पट्टी, और एक चिकट पट्टी है, और एक चिकट पट्टी है, रुको 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 सबर करो, और एक चिकट पट्टी है मस्त भाई की। तो ये रहा, तो सुयोग जी जरा पास में आओ, ये इसको दिखाना है अपने को मस्त भाई की। तो बोला पुंडली कवर दे हारी पंडियात महाराज की जय। बक्से को हम फेंक देंगे, नहीं नहीं उसके अंदर भी कुछ सामान है, इसको बाजू में रखेंगे इधर। तो बाद में इसके अंदर देखेंगे क्या है, इसके अंदर है ये इनका पावती पुस्तक है बंदो। ये पावती पुस्तक देखो, ये पावती पुस्तक में जो भी कुछ है दिया हुआ है, लेकिन इसकी कुछ ज़रूरत नहीं करनी, रखेंगे बाजू में। बाद में इसके अंदर ये सीढ़ी है, लेकिन मेरे कुछ भी यूज़ की नहीं है क्योंकि बंदो अपने कैबिनेट को मोस्टली अभी जो मॉडर्न कैबिनेट आते हैं उसको सीढ़ी ड्राइवर नहीं रहता है। तो जिनको भी दिक्कत है ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं उनको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा सिस्टम पे ऊपर, टेंशन मत लो कुछ भी। बाद में प्यारे से स्टिकर्स है बंदो मस्त भाई, रेड गियर के स्टिकर्स है, ये आप अपने सिस्टम को या फिर कैबिनेट को लगा सकते हो प्यार से। तो आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये स्टैंड है, तो स्टैंड देख सकते हो यहाँ पर, ये स्टैंड बहुत ही प्यारा स्टैंड है। आप भी उसको खोलेंगे, ये केबल अंदर इधर मतलब इधर से खुलता होगा, ये कुछ इसको खोलेंगे बहुत ही प्यार से। तो ये केबल ऐसे मैंने बाहर निकाला, केबल की क्वालिटी कितनी है मस्त क्वालिटी है बंदो। ओ यस, ये स्टैंड से हुआ बाहर, मतलब इसको हमने मुक्त कर दिया है, स्टैंड के बाहर मुक्त कर दिया है। और ये हेडफोन देखने को तो मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है बंदो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्यारा वायर क्वालिटी है बंदो। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये वायर को मैं खोल रहा हूँ कि ये वायर की क्वालिटी देख सकते हो बंदो। इसके क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे बंदो, ये वायर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी बंदो। अगर आप ऐसा वायर को ऐसा लटक कर दूसरे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को जाएंगे ना, इजीली जाओगे, आप गिरोगे नहीं। अगर वो सर्विस वायर है तो आपकी लकड़ हो जाएगी, आपका धुआं धुआं निकल जाएगा बंदो। तो और ये कंट्रोल्स के ऊपर जाएगा, देखो ये कंट्रोल्स पास में ले लो कैमरा मस्त भाई की सुयोग जी। तो ये कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन है, इसके बाद ये है प्यारा सा म्यूट करने का बोले तो माइक ऑन माइक ऑफ, और ये RGB कनेक्शन का बटन है बंदो बहुत ही प्यारा सा। बाद में हेडफोन्स देखोगे बंदो, दूर जाओ हेडफोन्स देखो बंदो क्या क्वालिटी है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है बंदो। ये उशिया बोले तो ये गादियाँ भी बहुत ही मस्त भाई की ये गादियाँ, और मेरे कान तो इजीली फिट हो जाएंगे इसमें। और बाद में मेरे बालों को बोले तो मेरे सर के लिए बहुत ही प्यारा सा बेल्ट बोलते हैं, ऑटो एडजस्टेबल है, इधर शायद से एक रबर नहीं कुछ तो एडजस्टेबल है बंदो, बहुत ही प्यारा एडजस्टेबल है। और इसकी क्वालिटी देखेंगे दे देखो मस्त एकदम, बोले तो फुल्ली इलास्टिक फुल्ली फैंटास्टिक एकदम मस्त भाई की है बंदो। ये आप देख सकते हो इसको कितना भी स्ट्रेच करो बंदो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको पहन के देखेंगे, तो सुयोग भाई मेरे थोबार के ऊपर ले लो, ये मैं पहन के देख रहा हूँ बंदो, ये देखो पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम कम्फर्ट है बंदो। जो मेरे पहले वाले हेडफोन्स थे जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था कॉस्मिक बाइट के, तो उसमें बंदो मेरे को ऐसा एकदम अटका हुआ लगता था, लेकिन अभी एकदम फ्री है, फ्री बोले तो एकदम मस्त लग रहा है, कम्फर्टेबल लग रहा है, मेरे कान भी एकदम मस्त है कि फिट हो रहे हैं।
तो इसको हम कनेक्ट करेंगे सिस्टम को और फिर देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैंने अभी हेडफोन्स को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन हेडफोन्स के ड्राइवर्स आपने को इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये रहा उनका वेबसाइट रेड गियर का। तो यहाँ पर आपको नीचे अपने जो हेडफोन्स है रेड गियर थंडर बी 7.1 यूएसबी आरजीबी गेमिंग हेडफोन्स, उसके ड्राइवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली डाउनलोड ड्राइवर्स जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ये जो नीचे दिख रहा है वो मैंने तो अभी डाउनलोड कर लिया है, रेड गियर का थंडर जो भी थंडर बी का डॉट जिप फाइल है, जिप फाइल आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखो यहाँ पर। तो आपको ये जिप फाइल को अनजिप करना पड़ेगा राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईयर करके। तो जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपको ये फोल्डर मिलेगा, ये फोल्डर ओपन करना है और ये जो सेटअप है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बंदो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट बोले तो आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ज्यादा लगेगा तो हम स्किप कर देंगे, टेंशन मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। द इंस्टॉल शील्ड विजार्ड कांट फाइंड एनी डिवाइस, ओ यस योर पीसी नीड टू बी अ restarted to be finished the setup device, okay please restart your computer for the functions to work properly, okay। to bando I want to restart my computer now, to computer ko apne ko restart karna hai, bahut hi pyara sa, to restart kar diya abhi। to bando maine system ko restart kar diya hai। तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन आया हुआ दिख रहा होगा रेड गियर थंडर बी 7.1। तो इसको ओपन करेंगे देखेंगे इसमें क्या है। तो बंदो इसमें सेटिंग्स है, स्पीकर के लिए सेपरेट सेटिंग्स है और माइक के लिए सेपरेट सेटिंग्स है। तो यहाँ पर देख सकते हो माइक का आवाज़ बढ़ा सकते हैं, 100 रख सकते हैं, जो भी कुछ हो। तो बंदो अभी जो मैंने आवाज़ आपको आ रहा है वो अपने हेडफोन्स के माइक से आ रहा है जो कि 7.1 साउंड सराउंडिंग है, साउंड सराउंडिंग माइक है बंदो। तो यहाँ पर और भी सेटिंग देखेंगे, स्पीकर में भी कुछ तो सेटिंग्स है, मास्टर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं बंदो। तो बंदो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट है, वो चेंज होती रहती है आरजीबी कलर्स में। और यहाँ पे जो बटन दिया आपको देखो यहाँ पर ये बटन के हिसाब से आप बंद कर सकते हो, इसको चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। लेकिन बंदो इसको हम मैन्युअली सेट नहीं कर सकते, ये रैंडम जैसे भी उनका सेट किया हुआ है वो जो हेडफोन्स में कि यही कलर आते जाते रहेंगे वही उनको हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपने हिसाब से आरजीबी कनेक्शन नहीं दे सकते बंदो। तो यहाँ पर मैं खुद गेम खेल के ट्राई करता हूँ बंदो कि इसका इन गेम वॉइस कैसा आता है या फिर एनिमी के फुटस्टेप्स कैसे आते हैं। तो अभी मैंने मेरा मोबाइल एलगेटो से कनेक्ट किया सिस्टम को और सिस्टम में हेडफोन्स लगाए। आईफोन को तो अभी मैं वो हेडफोन्स नहीं लगा सकता क्योंकि वो यूएसबी टाइप पिन है। अगर 3.5mm वाला जैक भी होता, मतलब वो ऑक्स केबल टाइप, फिर भी मैं अपने मोबाइल को लगा लेता। लेकिन मैं अपने आईफोन को तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, मतलब मैंने ट्राई तो नहीं किया है लेकिन मैंने सुना है कि आप एंड्रॉयड को लगा सकते हो वाया ओटीजी केबल। तो आप इस हेडफोन्स को अपने एंड्रॉयड मोबाइल को लगा कर भी इंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके प्राइसिंग के ऊपर और ऑर्डर कहाँ से किया था, मतलब मैंने कहाँ से लिया और उसका प्राइस क्या था। तो बंदो जैसे कि आपने स्टूडियो के स्टार्टिंग में देखा बॉक्स के ऊपर amazon.com था, तो मैंने इसको amazon से ऑर्डर किया है, दो दिन पहले ऑर्डर किया था और कल शाम को लगभग डिलीवर हो गया मेरे को। तो इसका अमेजोन पे प्राइस था 3,000 रुपये, मतलब डिस्काउंट से, मतलब 40% डिस्काउंट भी दिखा रहा था, 40% डिस्काउंट से मेरे को हुआ ये 1,800 रुपये का मिला बंदो। और इसका अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो कि इसका प्राइसिंग क्या है। मतलब प्राइसिंग तो आपको पता है अमेजोन पे चेंज ही होता रहता है, तो आप अमेजोन पे जाकर उसको बाय कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो ड्राइवर्स के बंदो रेड गियर के एयरफोर्स के लिए जो ड्राइवर्स थे, ड्राइवर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी दिक्कत होगा क्योंकि बहुत ही बंदों के पास कैबिनेट में इनबिल्ट सिली राइडर नहीं आता, तो जिनके पास भी नहीं है तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करके इंजॉय करो, मजा करो। तो बंदो आज की अनबॉक्सिंग में इतना ही, आज हमने अनबॉक्स किया अपना प्यारा सा रेड गियर, इसको हम यूज भी करके देखेंगे कैसा है। तो बंदो जो भी बंदे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया बोले तो लाइक का बटन नहीं प्रेस किया तो दीदी प्रेस कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि सब्सक्रिप्शन एंड लाइक बटन फ्री फ्री फ्री, तो जल्दी जल्दी प्रेस कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जिनको भी लाइव स्ट्रीम देखना हो लाइव स्ट्रीम भी मिल सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल।